बता दें कि दूसरे T20 मैच के प्लेइंग 11 में हार्दिक करेंगे फेरबदल। इन प्लेयर्स पर लटकी है इस बार तलवार। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 5 जनवरी को खेला जाएगा। इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 में फेरबदल करेंगे और इस बार वो पहली बार T20 मैच में खराब प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। ओपनर बल्लेबाज के स्थान के लिए शुभमन गिल के निकटवास प्रतिद्वंदी ऋतुराज गायकवर है, वही अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे जिससे कि मौके उनकी जो झोली है भर जाए। वही बता दे कि भारत और वानखेड़े स्टेडियम में पहले मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहने के बावजूद 2 रन से जीत दर्ज करने में सफल रहा है। इस साल वनडे विश्व कप होना है और ऐसे में T20 प्रारूप प्राथमिकता नहीं है, लेकिन गिल अपने पूर्ववर्ती खिलाड़ियों की गलियों की दोहराने से जो बचना चाहेंगे। वही शुभमन गिल की बात करें, वो उन्होंने 96 T20 मैच अधिकांश IPL और सैयद मुश्ताक अली में खेलने के बावजूद करियर स्ट्राइक रेट उनका रहा है 128.74 का रहा है और अपने डेब्यू मैच में भी वो लय में नहीं दिख रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी बार पारी का आगाज करने वाले मिल अब गुजरात टाइटंस के शीर्ष क्रम का अभित्र हिस्सा है। वो हालांकि जमने के बाद रन गति बढ़ाने को तरजीह देते हैं वो नजर आए और इसे रवैये के कारण लोकेश राहुल ने T20 टीम में अपनी जगह गंवा दी है। बता दें कि दूसरे T20 मैच के प्लेइंग 11 में हार्दिक करेंगे फेरबदल। इन प्लेयर्स पर लटकी है इस बार तलवार। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 5 जनवरी को खेला जाएगा। इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 में फेरबदल करेंगे और इस बार वो पहली बार T20 मैच में खराब प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। ओपनर बल्लेबाज के स्थान के लिए शुभमन गिल के निकटवास प्रतिद्वंदी ऋतुराज गायकवर है, वही अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे जिससे कि मौके उनकी जो झोली है भर जाए। वही बता दे कि भारत और वानखेड़े स्टेडियम में पहले मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहने के बावजूद 2 रन से जीत दर्ज करने में सफल रहा है। इस साल वनडे विश्व कप होना है और ऐसे में T20 प्रारूप प्राथमिकता नहीं है, लेकिन गिल अपने पूर्ववर्ती खिलाड़ियों की गलियों की दोहराने से जो बचना चाहेंगे। वही शुभमन गिल की बात करें, वो उन्होंने 96 T20 मैच अधिकांश IPL और सैयद मुश्ताक अली में खेलने के बावजूद करियर स्ट्राइक रेट उनका रहा है 128.74 का रहा है और अपने डेब्यू मैच में भी वो लय में नहीं दिख रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी बार पारी का आगाज करने वाले मिल अब गुजरात टाइटंस के शीर्ष क्रम का अभित्र हिस्सा है। वो हालांकि जमने के बाद रन गति बढ़ाने को तरजीह देते हैं वो नजर आए और इसे रवैये के कारण लोकेश राहुल ने T20 टीम में अपनी जगह गंवा दी है। बता दें कि दूसरे T20 मैच के प्लेइंग 11 में हार्दिक करेंगे फेरबदल। इन प्लेयर्स पर लटकी है इस बार तलवार। भारत और श्रीलंका के बीच दूसरा T20 5 जनवरी को खेला जाएगा। इस मैच में कप्तान हार्दिक पांड्या प्लेइंग 11 में फेरबदल करेंगे और इस बार वो पहली बार T20 मैच में खराब प्रदर्शन करने वाले प्लेयर्स को बाहर का रास्ता दिखा सकते हैं। ओपनर बल्लेबाज के स्थान के लिए शुभमन गिल के निकटवास प्रतिद्वंदी ऋतुराज गायकवर है, वही अच्छा प्रदर्शन करना चाहेंगे जिससे कि मौके उनकी जो झोली है भर जाए। वही बता दे कि भारत और वानखेड़े स्टेडियम में पहले मैच में बड़ा स्कोर खड़ा करने में नाकाम रहने के बावजूद 2 रन से जीत दर्ज करने में सफल रहा है। इस साल वनडे विश्व कप होना है और ऐसे में T20 प्रारूप प्राथमिकता नहीं है, लेकिन गिल अपने पूर्ववर्ती खिलाड़ियों की गलियों की दोहराने से जो बचना चाहेंगे। वही शुभमन गिल की बात करें, वो उन्होंने 96 T20 मैच अधिकांश IPL और सैयद मुश्ताक अली में खेलने के बावजूद करियर स्ट्राइक रेट उनका रहा है 128.74 का रहा है और अपने डेब्यू मैच में भी वो लय में नहीं दिख रहे थे। कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए काफी बार पारी का आगाज करने वाले मिल अब गुजरात टाइटंस के शीर्ष क्रम का अभित्र हिस्सा है। वो हालांकि जमने के बाद रन गति बढ़ाने को तरजीह देते हैं वो नजर आए और इसे रवैये के कारण लोकेश राहुल ने T20 टीम में अपनी जगह गंवा दी है।